रूस के कुर्स इलाके में यूक्रेनी सेना के हमले ने युद्ध को खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। यूक्रेनी सेना के आक्रामक तेवर देख पूरी दुनिया दंग रह गई है, तो वहीं इस हमले से पुतिन समेत रूसी सेना के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2.5 साल से ज्यादा समय से जारी जंग में यूक्रेन ने पहली बार रूसी बॉर्डर के पार उसके इलाके पर हमला किया। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले से रूस पर दबाव पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। ये इलाका लंबे समय से जारी जंग में काफी हद तक अछूता रहा है। इसके बाद पुतिन की सेना के हाथ से काफी इलाका निकल गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले को उकसावे भरा कदम करार दिया है। दावा है कि यूक्रेन की ओर से किए गए जवाबी हमलों से रूस हैरान है। यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में रूस की उतनी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है जितना पुतिन की सेना ने बीते कई महीनों में यूक्रेन में कब्जाया था। यूक्रेन का ये अभी तक रूस पर सबसे खतरनाक हमला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे अहम सहयोगी लुकाशेंको ने रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे पर हमला बोलते हुए ये बात कही है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि रूसी इलाकों में यूक्रेन के घुसपैठ मॉस्को को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। इससे पूरी दुनिया के सामने रूसी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। कुर्स्क के इलाके में सबसे बड़ा सीमा पार हमला वैश्विक सुरक्षा के लिए भारी जोखिम पैदा करता है। खतरा ये है कि यूक्रेन की ओर से इस तरह के हमले रूस को कड़े रुख में धकेलने का एक प्रयास है। खास तौर से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस तरह का कदम कीव और उसके पश्चिमी समर्थक देशों के लिए एक पीआर बोनस होगा। तब हमारे पास शायद ही कोई सहयोगी बचेगा, कोई भी सहानुभूति रखने वाला देश नहीं बचेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेनी अधिकारियों के हालिया बयानों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि कुर्स्क घुसपैठ का मकसद रूस के साथ संभावित वार्ता के लिए कीव की राजनयिक स्थिति में सुधार करना था। इस पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि ये योजना एक क्लासिक है, लेकिन ये एक महान साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में काम नहीं करती है। इसने ईमानदारी से लड़ना भी शुरू नहीं किया है। उन्हें यकीन था कि यूक्रेनियन आखिरकार कुर्स्क इलाके से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन कुर्स्क में आगे बढ़ा है। अगर पश्चिमी गठबंधन ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सेना भेजी तो बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तो रूस को नहीं हरा पाएगा, ऐसे में पश्चिम और नाटो उसके साथ आ सकते हैं। अगर नाटो सेना को यूक्रेन भेजता है तो फिर इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बेलारूसी नेता ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन सीमा पर एक तिहाई सेना दक्षिणी सीमा पर तैनात कर दी है। रूस की प्रतिक्रिया तत्काल और भयानक होगी। नाटो देश भी इसे समझते हैं और हम भी इसे समझते हैं, इसलिए हमें बातचीत की मेज पर बैठने की जरूरत है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि रूस अपने परमाणु पॉलिसी को बदल सकता है, मगर कोई भी बदलाव नाटो के बढ़ते कदमों के जवाब में होगा। रूस अपने परमाणु हथियारों को सिर्फ उसके या उसके सहयोगियों के खिलाफ हमले के जवाब में ही इस्तेमाल करेगा।